Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में. दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर एक मेल अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं और हम कैसे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं. ग्रुप को क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप मल्टीपल पर्संस को जो कि एक ही डिपार्टमेंट के हैं उन्हें आप मेल सेंड करना चाहते हैं तो आप उन सबके मेल एड्रेस को टाइप करने की बजाय जैसे ही आप उस ग्रुप पर मेल को सेंड करेंगे तो जो भी पर्सन उस ग्रुप का मेंबर होगा उन सबका वो मेल रिसीव हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं यहां पर आउटलुक को. तो आपके सामने आउटलुक का वेलकम स्क्रीन आ गया. तो यहां पर अभी मेरा कोई भी अकाउंट ऐड नहीं है तो पहले मैं यहां पर अपने अकाउंट्स को ऐड कर लेता हूं. मेरा एक अकाउंट यहां पर ऐड हो गया. अदर मेल अकाउंट्स को भी ऐड कर लेते हैं. तो मैंने यहां पर ऐड कर लिया अपने सेकंड अकाउंट को भी. अब हम पहले सेव करते हैं एक मेल कॉन्टैक्ट. मेल कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए आपको यहां पर जाना होगा. यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा न्यू कॉन्टैक्ट पर. आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. आपको यहां पर लिखना है उस पर्सन का नाम. तो मैं यहां पर उस पर्सन का नाम लिख देता हूं जिसका भी आप मेल कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं. कंपनी डाल देते हैं इसका, होम बिजनेस जॉब टाइटल में डाल देते हैं आईटी. ईमेल कॉन्टैक्ट में लिखना होगा आपको उसका मेल कॉन्टैक्ट. वेब एड्रेस में अगर आप उसका एड्रेस डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं. बिजनेस फोन में आप उसका फोन नंबर सेव कर सकते हैं. जब ये आपका कंप्लीट बन जाएगा तो आपके सामने ये एक कार्ड के रूप में आपको सब कुछ दिख रहा है कि आपने उसका नाम क्या लिखा है, कंपनी का नाम, जॉब टाइटल, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी. इतना होने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे सेव एंड क्लोज पर. इसी तरीके से आप न्यू कॉन्टैक्ट करके अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने आउटलुक के अंदर सेव कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक और नाम सेव कर देता हूँ. सो कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं मेल आईडी. सेव एंड क्लोज कर देते हैं. तो यहां पर आपके दो कॉन्टैक्ट मैंने सेव कर दिए. अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप पर. यहां पर आपको लिखना होगा ग्रुप का नाम. तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं आईटीआई. इसके बाद आपको ऐड करने होंगे मेंबर्स. तो क्लिक करेंगे ऐड मेंबर्स पर. फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जो अभी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए थे वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे. तो ये आपको यहां पर दोनों कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं. तो अभी मैं ऐड कर देता हूं अभी सिर्फ एक अकाउंट को. ओके किया.
फिर से अगर आप एक और मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम एड्रेस बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस बुक में भी आपको यही नाम नज़र आएंगे। तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सेकंड यूज़र को भी, ओके पे क्लिक करा। अगर आप किसी ऐसे यूज़र को ऐड करना चाहते हैं इस ग्रुप के अंदर जिसका आपने कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया, तो आपको जाना होगा फिर से ऐड मेंबर्स में और आप लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे न्यू ईमेल कॉन्टेक्ट। यहाँ पर लिखना होगा आपको डिस्प्ले नेम, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नेम लिख देता हूँ टेक गुरु। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे उसकी ईमेल आईडी, अगर आप इस पर्सन का कॉन्टैक्ट भी सेव करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर टिक मार्क लगा रहने देना है। अगर आप कॉन्टैक्ट सेव नहीं करना चाहते, सिर्फ इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को करना होगा अनटिक। तो पहले मैं आपको ऐड टू कॉन्टैक्ट करके दिखा देता हूँ। सेव एंड क्लोज किया तो देखिए यहाँ पर आपका वो यूज़र ऐड हो गया जो अभी आपने कॉन्टैक्ट सेव किया था, और ये आपका आ गया ग्रुप। अगर आप इसी ग्रुप को फिर से एडिट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा इस पर डबल क्लिक, तो एक ग्रुप आपका फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से ऐड कर लेते हैं एक और कॉन्टैक्ट को, अब मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ ऐड टू कॉन्टैक्ट, ओके पे क्लिक करा। अगर आप किसी भी मेंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको उस मेंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे रिमूव मेंबर, अपडेट नाउ कर देंगे तो ये अभी आपका ग्रुप हो जाएगा अपडेट। अगर आप इस कॉन्टैक्ट को ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल पर क्लिक करेंगे, तो जिस भी पर्सन को आप इस ग्रुप की डिटेल भेजना चाहते हैं उसको आप यहाँ से भेज सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, इसको फिर से यहाँ से कर देंगे सेव एंड क्लोज। तो देखिए अब यहाँ पर आपका वो यूज़र ऐड नहीं हुआ, लेकिन वो यूज़र आपका इस ग्रुप में ऐड हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज। फिर से चलते हैं अपने मेल ऑप्शन पर, और एक मेल सेंड करते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक करा न्यू ईमेल पर। अगर आपको ग्रुप का नाम याद है तो आप यहाँ पर ग्रुप का नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रुप का नाम याद नहीं है तो आप क्लिक करेंगे टू ऑप्शन पर, तो आपके सामने वो सभी की सभी एड्रेस बुक ओपन हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ ITI पर और इसको ऐड कर देते हैं टू में, ओके पे क्लिक करा। अगर आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस ग्रुप के सभी मेंबर्स शो हो जाएंगे। सब्जेक्ट में लिख देता हूँ मैं टेस्ट मेल फॉर ग्रुप डियर सर प्लीज सेव ऑन ग्रुप मेंबर्स मेल एड्रेस। नीचे लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स और इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पर सेंड बटन पर। तो ये आपका मेल पहले जाता है आउटबॉक्स के अंदर और आउटबॉक्स से आपका जाएगा आपके जीमेल के ईमेल सर्वर पर। तो आपका देखिए मेल रिसीव हो गया। तो इस मेल को हम चेक कर लेते हैं जिसको भी आपने मेल सेंड किया था। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने वेब ब्राउज़र को। यहाँ पर मैंने पहले से ही मेल आईडीज को लॉगिन किया हुआ है। मेल कॉन्टैक्ट दिखा देता हूँ आपको।
ये मेरा मेल आईडी है। देखिए ये आपका मेल रिसीव हो गया। अब इस मेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको वो ग्रुप का नाम शो नहीं होगा, यहाँ पर आपको सभी यूज़र जो शो होंगे वो इंडिविजुअल यूजर्स ही शो होंगे। हॉटमेल पर भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम मेल रिसीव हो गया। फिर से चलते हैं अपने आउटलुक अकाउंट पर। तो इस तरह से हम सेव करते हैं मेल कॉन्टैक्ट को और क्रिएट करते हैं अपने ग्रुप को, ताकि जब भी हम मेल सेंड करना चाहें तो वो मेरे सभी ग्रुप्स के मेंबर पर रिसीव हो जाए, मुझे इंडिविजुअल्स यूज़र के मेल एड्रेस को बार बार टाइप ना करना पड़े। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।